वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन व धारा 144 लागू की गई है, जिस कारण मजदूरों को मजदूरी कार्य नहीं मिल पा रहा। ओडिशा राज्य के राउरकेला क्षेत्र के टूल बगाई से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं कुछ मजदूर। राशन पानी नहीं होने के कारण घर जाने की चिंता सताने लगी तो 44 मजदूर राउरकेला के टूल बगाई से पैदल चलते हुए अपने घर मध्य प्रदेश के बांदापन्ना सतना के लिए निकल पड़े, जबकि सभी 44 मजदूर ओडिशा के राउरकेला टूल बगाई में मजदूरी का कार्य करने के लिए गए हुए थे, परंतु लॉकडाउन होने के कारण मजदूरी कार्य बंद हो गया। फिर वहीं मजदूरों के पास संकट के बादल मंडराने लगे। लगातार चिंता सताई जा रही थी कि घर कैसे पहुंचे। फिर सभी मजदूरों ने पैदल चलने का विचार किया और अपने पड़ाव के लिए निकल पड़े। वहीं ट्रेन बस वाहन सब बंद है, पैदल ही एक सहारा था तो सभी मजदूर पैदल चलकर जांजगीर जिले के शक्ति तहसील के ग्राम जेठा के पास पहुंचे थे कि इनकी भनक ग्रामीणों को लगी। फिर तत्काल ग्रामीणों द्वारा सूचना अनुविभागीय अधिकारी शक्ति को दी गई, जिस पर मौके पर SDM शक्ति पहुंचे और प्रशासन द्वारा सभी मजदूरों को जेठा से शक्ति कन्या छात्रावास में लाकर रखा गया है और मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कराई गई है। आज दोपहर में जेठा रेलवे स्टेशन के पास 44 मजदूर जो उड़ीसा से पैदल पैदल आ रहे थे, उनकी सूचना मिली थी हमें और सूचना के आधार पर सभी मजदूरों को वाहन की व्यवस्था करके जेठा से शक्ति के हॉस्टल में अभी उनको रखा गया है स्थायी रूप से, और अभी उनको शिफ्ट भी करेंगे दूसरे हॉस्टल में, क्योंकि अभी जहाँ रखे हैं वहाँ पे कैपेसिटी उतनी नहीं है तो उनको दूसरे हॉस्टल में भी शिफ्ट कर देंगे। और ऐसे मजदूर जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से हैं, उनको भिजवाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है, और जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं उन्हें घर भेजने के लिए भी ऐसा कोई निर्देश उनको प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे सभी मजदूर जो दूसरे राज्यों के हैं उनको हमें जब तक अगला कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता तब तक वो यही जो हॉस्टल्स में जहाँ व्यवस्था उनके लिए कैंप में की गई वहीं पर रहेंगे। TCP 24 न्यूज़ के लिए जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।